हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं द मच अवेटेड इम्तियाज अली डायरेक्टेड फिल्म तमाशा का। तमाशा स्टार्स रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोणे एंड मिस्टर पीयूष मिश्रा इन द लीड स्टार कास्ट। तमाशा इज बीन डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, म्यूजिक हैज बीन गिवन बाय A.R. रहमान एंड इज ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी एंड द होल स्टोरी इज बीन रिटन बाय इम्तियाज अलीज ब्रदर आरिफ अली। सो क्या है कहानी फिल्म तमाशा की? तमाशा फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ ब्यूटिफुली शॉर्ट मूवी एंड इज बीन फंडेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय नडियाडवाला ग्रैंडसन्स, दैट इज साजिद नडियाडवाला एंड यूटीवी फिल्म्स। तो जैसे बॉलीवुड में एक कहावत है कि हर फ्राइडे इंसान की किस्मत बदल देता है, उसी तरह ये फ्राइडे रणबीर कपूर की किस्मत जिंदगी भर के लिए बदल देगा, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है फिल्म तमाशा में। अब तक आपको लग रहा था मैं आपको सस्पेंस बाद में बताऊंगा, तो पहले आते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। क्या है कहानी फिल्म तमाशा की? ये बहुत ही सिंपल कहानी है, आपने कहानी 10 बार देखी होगी, लेकिन जिस तरह आरिफ अली और इम्तियाज अली ने इस कहानी को स्क्रीन पर दर्शाया है, ऑडियंस पागल हो जाती है इस कहानी को देख के। जो यंगस्टर्स है, जो यंग लवर्स है, ये फिल्म देख के बहुत पसंद करेंगे। तो क्या है कहानी फिल्म तमाशा की? तमाशा कहानी शुरुआत होती है कोस्टरिका में। दो जवान युवा नौजवान दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर वहां छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन रणबीर कपूर कहता है कि वही मैं तुमसे मिलूंगा, वही हाई करूंगा, वही अपना नाम बताऊंगा, इसमें क्या मजा, हम दोनों एक दूसरे को अपने रियल नाम नहीं बताएंगे, असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। और किस तरह रणबीर कपूर अपने आप को डॉन बताते हैं और दीपिका पादुकोण अपने आप को मोना डार्लिंग बताती है, इसी से शुरुआत होती है फिल्म के। दोनों कोस्टरिका में गाना गाते हैं, मटर गश्ती गाना आता है, ऑडियंस क्लैप्स इन द थिएटर्स, फैबुलस ट्रैक बाय A.R. रहमान। दोनों को प्यार हो जाता है आपस में, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, दोनों के बीच में किस होता है, और किस तरह दीपिका पादुकोण फॉल्स कंप्लीटली फॉर रणबीर कपूर इज फैबुलसली शोन इन द मूवी। लेकिन दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रही है? अपेरेंटली उनके पैसे घूम गए हैं और उनका पासपोर्ट भी चोरी हो चुका है, तो इंडिया से पासपोर्ट आते आते 4-5 दिन लगेंगे। इन 4 दिन में दीपिका पादुकोण उनसे प्यार हो जाता है, लेकिन जब उनका पासपोर्ट वापस आता है वो डिसाइड करती है कि वो रणबीर कपूर को बगैर कुछ बोले चली जाएगी। वही होता है, रणबीर कपूर को बस किस करती है और वापस चली जाती है इंडिया। इंडिया में 1, 2, 3, 4 साल बीत जाते हैं, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है। हीर तो बड़ी सैड है, उस गाने में 4 पंजाबियां रहते हैं। आपको याद होगा लाइफ इन अ मेट्रो मूवी में किस तरह प्रीतम बीच बीच में आके अपने बैंड के साथ गाना गाते थे, उसी तरह तमाशा में पंजाबी लोग हैं जो ये गाना गाते हैं बीच बीच में आकर। 4 साल बीत जाते हैं, दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को भुला नहीं सकती, किस तरह वो डॉन बन के उन्हें वहां रिझाया उन्होंने, और दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को भूल ही नहीं पा रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, उन्हें याद आता है कि कोस्टरिका में रणबीर कपूर एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम रहता है सोशल। वो जाती है दिल्ली के एक बुक स्टोर में जहां पे वो सोशल बुक मिलती है, वहीं उन्हें मिलते हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर इज कंप्लीटली चेंज्ड, ही इज नॉट लाइक द यंगस्टर, ही इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गाय, ही वर्क्स फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन अ कंपनी, वेयर्स टाइज, इज अ वेरी सीरियस गाय, वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज वॉच नॉट अकॉर्डिंग टू हिज हार्ट। दीपिका पादुकोण फॉल्स अगेन फॉर रणबीर कपूर, टेल्स हिम हाउ शी फेल्ट इन द लास्ट 4 ईयर्स। रणबीर कपूर ऑब्वियसली यू नो रेसिप्रोकेट्स द लव टू दीपिका पादुकोण और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। लेकिन इन 4 दिनों के दौरान दीपिका पादुकोण को महसूस किया, ऑडियंस को महसूस होता है कि ये वो रणबीर कपूर नहीं, ये अपनी घड़ी देख के काम करते हैं, सब चीज सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं, वो डॉन नहीं, वो केयरफ्री डॉन नहीं जो वो वहाँ कोस्टरिका में थे। वो दीपिका पादुकोण को अपना असली नाम भी बता देते हैं अपने कार्ड देके, उनका नाम वैद रहता है और दीपिका पादुकोण का नाम तारा रहता है। तारा डजंट फील दैट रणबीर कपूर इज अ सेम डॉन, ही इज अ वैद, ही इज द गाय हु वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज वॉच 9 to 5 types। और एक दिन जब रणबीर कपूर उनको प्रपोज करते हैं, तब दीपिका पादुकोण उनको फ्लैटली उनके मुंह पर रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं। और किस तरह रणबीर कपूर का दिल टूट जाता है, किस तरह उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, यही कहानी है फिल्म तमाशा की। तो क्या खास है इस फिल्म में, इतनी मैं क्यों तारीफ कर रहा हूं इस फिल्म की? फिल्म की ट्रीटमेंट को लेके, रणबीर कपूर किस तरह ब्रेकअप के बाद एक इंसान अपनी जिंदगी में झुलसता है, किस तरह उसका काम में मन नहीं लगता, वो किस तरह काम में पागलपना करता है, ब्यूटीफुली दर्शाया गया इस फिल्म में। रणबीर कपूर के बॉस प्ले किए हैं विवेक मुश्रान इस फिल्म में, जो कि इलू पीलू सौदागर पिक्चर के हीरो थे, वो जिस तरह फिल्म में बॉय बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। रणबीर कपूर अपेरेंटली ब्रेकअप के बाद पागल हो जाता है,
उसको एक स्प्लिट पर्सनैलिटी आ जाती है, वो अपनी बॉस की बेइज्जती करता है, वो जाके ऑफिस में जाके अनशन करता रहता है, दोस्तों का झगड़ा कर लेता है, पार्टियों में जाके लोग उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो वो बोलते हैं हाँ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, मैं थोड़ा पागल हो चुका हूँ, मुझे खुजली आती है, मैं अपने आप को मारने का मन करता है, किस तरह लोगों से बदतमीजी करता है, ब्यूटिफुली दिखाया गया इस फिल्म में। लेकिन ये सब दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर को क्यों कहा? रणबीर कपूर बचपन से ही शिमला में उन्हें फिल्मों की कहानी, नाटक, कलाकार, रोमियो जूलियट, राम सीता, हीर रांझा, इनकी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। किस तरह पीयूष मिश्रा एक बाबा रहते हैं पहाड़ में, वो उसको 10-10 रुपए घंटे से कहानी सुनाते हैं, और रणबीर कपूर किस तरह अपने बचपन में अपनी एक फैंटेसी दुनिया में जीते हैं, वो एक कलाकार बनना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी के वजह से वो इंजीनियरिंग कर एक 9-to-5 जॉब करते हैं। रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के रिजेक्शन के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो असली जिंदगी में वो इंसान है ही नहीं। ही नीड्स टू फाइंड द इनर सेल्फ। हाउ लव टीचेस यू टू फाइंड what you want to become in life is the basic concept of tamasha. Emotional scenes between Ranbir Kapoor and Deepika Padukone are fabulous in the movie. All in all, this is a Ranbir Kapoor show throughout the film. Ranbir Kapoor, mind you, will get the best actor award this year. He will beat Salman Khan hands down. He has played the psychotic, you know, प्यार में हारा हुआ इंसान fabulously. Special mention to Ranbir Kapoor का बचपना, जो छोटा बच्चा Ranbir Kapoor play करता है वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारी किया है उसने फिल्म में. He looks exactly like Ranbir Kapoor. Deepika Padukone as usual is fabulous in the movie. Piyush Mishra, special mention to him, he is absolutely marvelous. लेकिन जो फिल्म के हीरो है वो है A.R. रहमान. किस तरह रॉकस्टार में नादान परिंदे आता था जब आपके रोंटे खड़े हो जाते थे, इसमें भी उनका एक गाना आता है ब्यूटीफुल, अगर तुम साथ हो गाना आता है, तो उसके बाद हीर तो बड़ी साइड है, मटर गश्ती, ब्यूटीफुल सॉन्ग, A.R. रहमान की आवाज, मोहित चौहान की आवाज, नकश अजीज, ये सारे सिंगर एल्बम में जान डाल दी। लेकिन जो हीरोइक एक्ट ऑफ दिस मूवी इज आरिफ अली स्टोरी, स्टोरी इज Drop Dead Gorgeous. I'll tell you, film खत्म होने के बाद audience ने standing ovation दिया है film को, क्योंकि इस film का climax will bowl you over. Three Idiots जैसा climax है, लेकिन ये movie आप कह सकते हैं Three Idiots इन अ रोमांटिक एंगल, किस तरह एक आदमी अपनी जिंदगी के सपने साकार करता है प्यार के जरिए, ये तमाशा की कहानी है। फिल्म बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई है, बोर जरा नहीं करती, यंगस्टर्स विल लव दिस मूवी। सो आई गिव तमाशा 1, 2, 3, 4 4 out of 5 stars. The film is very good. It has very good comedy in the movie. Ranbir Kapoor is the highlight. This guy has bounced back and how. And Ranbir Kapoor and Deepika Padukone look fabulous in the movie. Don't miss this movie. Give it a watch. Just for Imtiaz Ali and Arif Ali's story and script, Tamasha is a winner all the way at the box office. So guys, see you next week with the review of Hate Story 3. Till then, keep watching Bollywood This Week. Like and subscribe the channel.